बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश ने एक प्रखर वक्ता को खोया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, एक को भी बुला दीजिए, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करें माननीय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हो गई है और एम्स हॉस्पिटल में है, तो धीरे धीरे देश में कम बढ़ने लगा है। समूचे देश के नागरिक बहुत ही अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं और बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे सम्मानित पदाधिकारीगण, 25 साल की अवस्था से लेकर के 25 साल की अवस्था में पहली बार वो विधायक रहते हुए देश को जो उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से उनके न रहने का देश के लिए यह बहुत ही अपूरी क्षति रही है। ये एक लोकप्रिय नेता थी और एक प्रखर वक्ता के रूप में जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और विदेश मंत्री के रूप में जो उन्होंने अपना कार्यकाल संपन्न किया था, वो प्रमुखता से अपनी बातों को रखती थी और जो विदेशों में हमारी जनता फंसी रहती थी या उनकी जो पीड़ा होती थी उसको पूरा हरण करने का काम करती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके जब निधन का कल खबर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें कष्ट ये महसूस हुआ कि एक ऐसे नेता को हमने खो दिया कि उनकी भरपाई कर पाना असंभव है और भारतीय राजनीति की एक बिंदी जो सुहागन की बिंदी होती है वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से हम उनके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता भगवान प्रदान करे, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। हम लोगों की प्राण प्रिय भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज जी का असामयिक निधन हुआ है। पूरा देश मर्माहत है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मर्माहत है, दुखी है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति को भी एक अपूर्णीय क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता, वैसे तो पूरे देश में आज उनके निधन के उपरांत श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर महानगर इकाई भी भाजपा कार्यालय पर अपने महानगर अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा कर रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब यहाँ आकर के अपने प्राणप्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं और उनके श्रद्धांजलि सभा में हम भाग ले रहे हैं।